दोस्तों आज से हम स्टार्ट करने वाले एक नई सीरीज लिब्रे ऑफिस पैकेज का वो है कैल्स, यानी कैल्स का मतलब स्प्रेडशीट। हमने पिछले वीडियो में देखा था कंप्लीट राइटर यानी लिब्रे ऑफिस का राइटर कैसे यूज किया जाता है, उसमें कितने मेनू होते हैं और भी बहुत सारी चीजें देखे थे। अगर वो सब आप नहीं देखे हैं तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिस्ट दे देंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं या आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम आपको कैल्सी के बारे में कंप्लीट बताने वाले हैं कि इसमें जो मेनू होते हैं और उसमें कुछ एडवांस चीजें भी बताएंगे कि ट्रिपल सी में जो पूछे जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज इसके इंट्रो के बारे में हम बताएंगे, उसके बाद अगले नेक्स्ट दिन इस पे कंप्लीट आपको एक एक स्टेप में वीडियो बताते रहेंगे। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिब्रे ऑफिस कैल्सी यूज करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप में इंस्टॉल है तो ठीक, नहीं तो आपको शॉर्टकट भी हम बता देते हैं। आपको विंडो आर प्रेस करना है और यहाँ पे आपको डालना है यस, उसके बाद यहाँ पे आपको डालना है कैल्स डॉट ई एक्स ए, उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर ओके कर देंगे तो आपका कैल्सी लिब्रे ऑफिस का ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने ओपन कर दिए हैं, अभी देखिए लोड हो रहा है। लोड होने के बाद आपको क्या करना है, एक एक स्टेप आपको बताएंगे थोड़ा सा इसके इंट्रो के। तो यहाँ पे देखिए हमारा कंप्लीट यहाँ पे एक्सेस हो चुका है। देखिए अगर आपको फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे टिप्स ऑफ डे इस तरीके से आपको कुछ मैसेज आएगा, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट टिप कर इस तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आप क्लोज भी कर दीजिए। अब देखिए ये हमारा कैल्सी का इंटरफेस है, यानी अगर आप फर्स्ट टाइम यूज करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग हर एरिया को अलग अलग नेम से जाना जाता है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ऊपर जो हमारा होता है टाइटल बार, यानी टाइटल बार जो होता है एक कैल्सी में बताता है कि आपका जो फाइल है वो किस नाम से है। अब यहाँ पे क्वेश्चन भी बन जाता है कि जो लिब्रे ऑफिस कैल्सी में किस नाम से बाय डिफॉल्ट हमारा टाइटल होता है। तो देखिए यहाँ पे पहला होता है अनटाइटल वन, इस नाम से हमारा एक तरीके से कैल्सी में इसका जो फाइल का नेम होता है। साथ में उसके बाद इसमें देखिए नेक्स्ट नंबर पे आता है यहाँ पे हमारे मेनू, यानी कैल्सी में हमारे बहुत सारे मेनू होते हैं, फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू मेनू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, सीट, डेटा, टूल्स, विंडो हेल्प, ये सारे हमारे कैल्सी में मेनू होते हैं। और ये सारे मेनू आप राइटर में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें देखिए एक दो मेनू चेंजेस हैं। जैसे उसमें आपका टेबल मिला होता था, इसमें देखिए डेटा और शीट ये दोनों मिल चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे हमारा एक आता है स्टैंडर्ड टूल बार। देखिए स्टैंडर्ड टूल बार का क्या काम है, इसमें आप बहुत सारे अलग से काम कर सकते हैं, जैसे फाइल को ओपन करना, सेव करना, प्रिंट करना, कॉपी पेस्ट, फॉर्मेटिंग, ये सारे आप स्टैंडर्ड में जाकर कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे एक ऑप्शन और देता है, यहाँ पे देखिए नीचे साइड, ये हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार है। फॉर्मेटिंग टूल बार का मतलब एक तरीके से होता है कि आप अगर कोई भी इसमें मैटर लिखे हैं उसमें कुछ फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो आप इजी तरीके से यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद कैल्सी में इम्पोर्टेंट आता है आपका नेम बॉक्स। नेम बॉक्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है, इसको थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं। जूम करने के लिए आप कंट्रोल बटन और अपने माउस का स्क्रॉल दबाएंगे तो आपका जूम हो जाएगा। अब यहाँ पे नेम बॉक्स सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि आपका नेम बॉक्स में आप पता कर सकते हैं कि हम किस सेल पे हैं। यानी देखिए ये सेल डिफाइन करता है कि आप किस सेल पे हैं। देखिए A1, A1 का मतलब है ये हमारा कॉलम है और ये हमारा रो है। देखिए रो हमेशा एक तरीके से लेफ्ट से लेकर राइट तक चलता है और जो कॉलम होता है ये अप से डाउन होता है। ये जो ABCD ये सारे हमारे कॉलम है, देख सकते हैं आप, ये सारे हमारे कॉलम है और जो यहाँ पे ये दिख रहा है ये सारे हमारे रो हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं कि इन दोनों को मिलाकर एक सेल बनता है और वही सेल हमारे नेम बॉक्स में शो करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं C2 लिखा है, यहाँ पे C2 लिखने का मतलब है कि C हमारा कॉलम है और 2 रो में है, इसलिए यहाँ पे नेम बॉक्स में बता दिया C2। अगर आप किसी भी सेल में जाना चाहते हैं या कॉलम में जाना चाहते हैं या रो में, तो आप बस यहाँ पे नेम बॉक्स में डालिए। जैसे हमें जाना है F4 में, तो बस आप यहाँ पे डालिए। जैसे यहाँ पे आपको सबसे पहले कॉलम नेम डालना है,
F और 4, जैसे आप प्रेस करेंगे और यहाँ पे देखिए यह 4 में चला गया, देखिए कितना इजी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास आता है फंक्शन विजार्ड। फंक्शन विजार्ड का मतलब होता है कि आपका कैलसी में बहुत सारे फंक्शन आपको मिल जाएंगे, जो कि एक तरीके से फार्मूला यूज किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारे पहले से फंक्शन है, इसका तब हम यूज करते हैं जब हमें कोई फंक्शन यूज करना है। आप यहां से भी डायरेक्ट फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे यहां पे देखिए इक्वल लिखा हुआ है। अगर हम किसी दो वैल्यू को जोड़ना चाहते हैं तो जैसे यहां पे हम लिख देते हैं 20, देखिए हमने 20 लिख दिया, प्लस लगाया और 20 लिख दिया, तो यहाँ पे देखिए इसका तुरंत रिजल्ट दे दिया 14। यानी इस तरीके से आप इसका फंक्शन का यूज कर सकते हैं और बहुत ही फास्ट काम कर सकता है, और इसका यहाँ पे प्रीव्यू भी देख सकते हैं। तो ये बहुत एडवांस चीजें हमारे कैलसी में है, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद ये देखिए होता है फार्मूला बार। देखिए फार्मूला बार का तब यूज करते हैं जब हमें किसी चीज का फार्मूला लगाना है, जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं 20 और यहाँ पे लिख देते हैं 10। यहाँ पे नीचे हम क्या करते हैं 10 लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे हमने अब इन दोनों को ऐड करना है या जो भी आप करना चाहते हैं इसमें मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन, तो आपको क्या करना है कि फार्मूला बार पे, जैसे यहाँ पे आपको इसका रिजल्ट यहाँ पे देखना है तो इस पर क्लिक करना होगा सेल पे, और यहाँ पे क्लिक कर आपको बस क्या करना है यहाँ पे इक्वल लगाना है। इक्वल आप जैसे लगाएंगे तो फार्मूला बार में यहाँ पे आपको दिख जाएगा और क्या जोड़ना है यहाँ पे, जैसे इसको 20 जोड़ना है, फिर प्लस लगाइए और देखिए यहाँ पे फिर 10 को जोड़ना है। अब देखिए यहाँ पे आपका जो सेल का रो और कॉलम है बिल्कुल इजी तरीके से एक्सेस हो गया। आप जैसे इंटर हिट करेंगे तो यहाँ पे इसका रिजल्ट आपका 13 आ जाएगा। आप यहाँ से भी चाहे तो इसको चेंजेस कर सकते हैं यहाँ से आप, तो ये फायदा होता है यहाँ पे फार्मूला बार का। अब यहाँ पे हम बात करते हैं और कुछ चीजें। यहाँ पे देखिए नीचे के साइड यहाँ पे स्टेटस बार एक तरीके से बार है, जिसमें हमारे पास जूम इन और जूम आउट मिल सकता है। इसमें आप अपने इच्छा अनुसार जो हमारा एक्सेल की सीट है इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए एक्सेल की जो यहाँ पे एक्सेल हम बोल दिए उसके लिए सॉरी, लेकिन इसमें एक्सेल के जगह कैलसी यूज किया जाता है और इसमें स्प्रेड शीट के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते